अगर आप सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, तो महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आपकी एंट्री बैन हो जाएगी और महाकुंभ में इस बार केवल सनातनी अफसरों की ही तैनाती होगी। जी हाँ, ये मांग उठाई है अखाड़ा परिषद ने और अब ये बात एक नया तूल पकड़ रही है। स्वयं सीएम योगी इस पर एक बड़ा फैसला देने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। कुंभ मेले के लिए अब कुछ ही महीने बचे हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच अखाड़ा परिषद ने एक बहुत बड़ी मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में सिर्फ सनातनी अफसरों को ही तैनात करने की मांग उठाई है। सनातनियों के अलावा दूसरे व्यक्तियों को मेला क्षेत्र में प्रवेश न देने और उनके स्नान की दूसरी जगह व्यवस्था करने की भी मांग उठाई जा रही है। और अब इसी मामले को लेकर 6 अक्टूबर को ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जानी है। कुंभ की तैयारियों के संबंध में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ संतों की बैठक होनी है और इसके लिए मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलावा भी भेज दिया है। अब इसके बाद अखाड़ों में आम सहमति से मुख्यमंत्री के सामने जो है इस ज्वलंत मुद्दे को रखने की कवायद शुरू हो गई है। और इसी बीच इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी होगी। मेला क्षेत्र में केवल सनातनियों की ही एंट्री मिले, साथ ही जिन अफसरों की तैनाती की जाए वो सभी हिंदू सनातनी हों, एक ऐसी मांग को लेकर 6 अक्टूबर को योगी से अखाड़ा परिषद की मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मांग के उठने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के त्योहार पूजा पाठ में एक विशेष समुदाय द्वारा अड़चने पैदा करने की खबरें सामने आती रही हैं काफ़ी लंबे समय से, कभी पत्थरबाजी तो कभी नारेबाजी, या फिर हिंदू त्योहारों पर एक षड्यंत्र रचने का, मतलब जो प्रयास होता है कि इसको कैसे इसमें दखलंदाजी करके इसमें एक विघन डाल दिया जाए, उसी को लेकर जो है अखाड़ा परिषद ने इस बात की मांग रखने का विचार किया है। और अभी हाल ही में प्रयागराज में ही एक मदरसे में जाली नोटों की छपाई का भी मामला सामने आया था और इसी मदरसे में कई लोगों के ब्रेन वॉश करने का भी मामला सामने आया था। इसलिए अखाड़ा परिषद इस बड़ी मांग को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 6 अक्टूबर को रखने का निर्णय लिया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी के मुताबिक संतों ने महाकुंभ में सिर्फ सनातनी अफसरों और कर्मियों की ही ड्यूटी लगाने की मांग रखी है। देखिए, मेले में जो भी श्रद्धालु आए, ये उनकी मांग है उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए ही उनकी पहचान की जाए। संतों ने महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश देने पर भी चर्चा की है। अब इस प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को होने जा रही सभी अखाड़ों की बैठक में विस्तार से इस बात को रखा जाएगा। सभी की सहमति के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांग उठाई जाएगी। आपको मैं अखाड़ा परिषद की स्पष्ट मांगों के बारे में बताता हूँ। देखिए, अखाड़ा परिषद कह रहा है कि 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उस मेला क्षेत्र में जिन अधिकारियों की तैनाती की जाए वो सभी सनातनी हों, हिंदू हों, सनातनियों के अलावा दूसरे व्यक्ति को मेला क्षेत्र में प्रवेश न दिया जाए और अगर प्रवेश दिया भी जाता है तो उनके स्नान की जगह दूसरी व्यवस्था करी जाए, उस दूसरी जगह पर उनके स्नान की व्यवस्था की भी मांग जो है अखाड़ा परिषद रख रहा है। और ये सभी मांगे देश के अंदर हिंदू विरोधी घटनाओं को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखने का विचार बनाया है। इस महाकुंभ में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोगों के आने जाने की संभावना है और महाकुंभ सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अवसर होता है और हर बार होने वाले कुंभ में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी मांगे उठती रहती हैं। लेकिन हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी या फिर षड्यंत्र रचकर विघन डालने की जो कोशिश होती रहती है उसकी खबरें एक बड़ी संख्या में अब आने लगी हैं। इसी की वजह से इन मांगों पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 6 अक्टूबर को जब अखाड़ा परिषद के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे तो योगी आदित्यनाथ इन मांगों को क्या तवज्जो देते हैं, इस पर क्या विचार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और ये बहुत बड़ा क्षण भी होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अखाड़ा परिषद जिन मांगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखने का विचार कर रहा है, क्या ये सही है और अगर क्या ये लागू हो जाता है तो इस पर अमल करना आसान होगा और नहीं?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और महाकुंभ से जुड़ी उस सभी जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं जो महाकुंभ में जाने का विचार कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।